नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य अकेडमी में। आज हम क्लास एट मैथ चैप्टर नंबर टू लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इस एक्सरसाइज की इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। क्या होता है लीनियर इक्वेशन, क्या होता है एक चर वाले समीकरण, क्या होता है जैसे अगर हम 2x+7 या फिर 2x=7 लिखे तो यहां पर देखो इसको बोलते हैं हम वेरिएबल, ये होता है हमारा इक्वालिटी और ये होता है हमारा ये फुल टोटल होता है हमारा इक्वेशन। क्या हो जाती है हमारी इक्वेशन, ठीक है। यहां से हमें क्या करना होता है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। जैसे अगर हम 2x=7 अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, हम x को यहीं रखेंगे, यहां पे 7 है, यहां से क्या करेंगे इस 2 को यहां पर मल्टीप्लाई कर साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 7/2, ठीक है। आइए हम कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं कि क्या होता है वन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है हमारा क्या है हमारा 2x-3=7, ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है। हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना है इसको। यहां पे देखो 2x, यहां से हम इस 3-3 को इस साइड लेके जाएंगे, 7 यहां पे माइनस है, बराबर से इस साइड अगर ये माइनस उस साइड आगे क्या हो जाएगा प्लस 2x, यहाँ पे कितना हो गया भाई 10। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 है और इस साइड भी 10 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे इस 2 को इस साइड लेके जाएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर साइड लेके क्या हो जाएगा डिवाइड में डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा, x की वैल्यू कितनी आई 5, तो ये क्या रहेगा हमारा आंसर, समझ में आ गई। या फिर हम इसको कैसे कर सकते हैं, देखो यहां से 2x=10, यहां पे ये इक्वेशन यहां पे अभी सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इस साइड भी और इस साइड भी 2 से भाग करने पर, जब हम दोनों तरफ 2 से भाग करेंगे 2x/2=10/2, यहां 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। और यहां तो x की वैल्यू कितनी आएगी फिर भी 5, तो हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 2y+9=4। देखो यहां पर इससे पहले इक्वेशन में क्या था, x था और यहां पे क्या है y, यहां पे मतलब ये वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, a से लेके a टू z तक कुछ भी, मतलब यहां पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, y z PQR ABCD कुछ भी। यहां पर अगली बार क्या है y, हमें क्या करना है y की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से देखो 2y, ये तो वेरिएबल है, मतलब y वाले टर्म को इस साइड रखेंगे, बिना y वाले को उस साइड, तो 4 इस साइड प्लस का 9 है तो उस साइड रखे -9, 2y कितना दे रहे हैं -9।
फोर फोर माइनस नाइन में से कटाएंगे कितना होता माइनस फाइव। दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ दो से भाग। जब हम दोनों तरफ दो से भाग करेंगे दो वाई डिवाइड बाई टू माइनस फाइव बाई टू, इसको यहां से काटेंगे वाई की वैल्यू क्या आएगी हमारी माइनस फाइव बाई टू, ये क्या देगा है आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा बच्चों? बहुत आते हैं इसके एग्जाम्पल नंबर थ्री पे। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा एक्स बाई थ्री प्लस फाइव बाई टू इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू। हमें क्या करना, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहां पर लिखना है एक्स वाली टर्म को इस साइड रखेंगे यहां पर बराबर, ठीक है, ये माइनस थ्री बाई टू है, ये प्लस का पांच बटे दो था, इसको इस साइड लेके जाएंगे किस चीज को देगा माइनस माइनस फाइव बाई टू। इसको कैसे सोल्व करेंगे एलसीएम से, यहां पे एलसीएम कितना आया टू, तो यहां पे माइनस थ्री और माइनस फाइव सोल्व करने के बाद कितना आएगा हमारे पास एट बाई टू। ठीक है, माइनस एट बाई टू यहाँ पे देखो ये से कटेगा चार पे तो कितना बचा भाई एक्स बटे तीन माइनस चार, यदि इसे डिवाइड में साइड जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई एक्स तीन सौ के बारह, तो एक्स की वैल्यू क्या है ये हमारी माइनस बारह। ठीक है भाई, समझ में आया क्या किया हमने, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, हमने एक्स वाली टर्म को साइड रखा और बिना एक्स वाली टर्म को साइड लेके आए, सॉल्व करने के बाद हमारे पास आया फोर। जब हम इस थ्री को उस साइड लेके गए तो फोर के मल्टीप्लाई में आएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद कितना अभी माइनस ट्वेल्व। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर फोर पे। फोर्थ एग्जाम्पल है हमारा 15 बाय 4 इज इक्वल टू नहीं माइनस सेवन एक्स इज इक्वल टू नाइन। हमने क्या करना, सबसे पहले एक्स की टर्म्स को इस साइड रखना है एक साइड, तो यहां पर माइनस एक्स माइनस सात एक्स, ये यहां पर 15 बटे 4 है, ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई देखो ये यहां पे किस चीज में है भाई 15 बटे 4 प्लस में, तो इस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस माइनस सात एक्स, यहां पे इसका एलसीएम लिया 4 चार दीवा 36 15 माइनस सात एक्स घटाएंगे तो कितना बचेगा 16 बटे 4 चार चौके 16 माइनस सात बटे सात एक्स चार, ये सात यहाँ पे किस चीज में है मल्टीप्लाई में साइड जाके क्या हो जाएगा भाई डिवाइड में, यहाँ पे माइनस है लेकिन हमें क्या करना माइनस को हटाना है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे माइनस से, तो क्या आएगा भाई यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और ये चार माइनस चार बटे सात। ठीक है भाई, समझ में आया, तो इसका आंसर कितना देगा एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर बाय सेवन। एक बार फिर से देखते हैं इसको, यहां पे देखो 15 बटे 4 माइनस सात एक्स
और नाइन। हम क्या करेंगे, सात एक्स माइनस का यानी नौ, ये सर जाएगा पंद्रह बटे चार। ठीक है, एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना है अपना चार, एक से नौ चौका छत्तीस, और यहाँ पे कितना आएगा पंद्रह, यहाँ पे कितना अपना माइनस सात एक्स। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहां से ग्यारह, देखो छत्तीस में से पंद्रह गए, कितने बचेंगे भाई, इक्कीस बचेंगे। ठीक है, यहां पे क्या आएगा इक्कीस, और ये कितना चार, बीच में किस चीज का निशान। अब देखिए ये साथ यहाँ पे किस चीज में है, मल्टीप्लाई में, हम इसको क्या करेंगे इस साइड जाके डिवाइड में देंगे। ठीक है, सात किया इक्कीस, एक्स का मान क्या रहेगा तीन बटा चार, लेकिन यहाँ माइनस है, माइनस एक्स इज इक्वल टू थ्री बाय फोर, ये आया हमारा आंसर। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स को माइनस में नहीं रखेंगे, हम दोनों तरफ किस चीज माइनस से गुणा करेंगे, यहाँ माइनस माइनस प्लस एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस थ्री बाय फोर। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर फोर। ठीक है भाई, समझ में आया। तो आइए अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.1, सात दुनी चौदह, तो एक्स का मान कितना रहेगा भाई, दो।
ठीक है, समझ में आया भाई? उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है? सिक्स एक्स इज इक्वल टू 12। हम क्या करें, दोनों तरफ 6 से भाग दे दें, दोनों तरफ 6 से भाग देने पर, जब हमने दोनों तरफ 6 से भाग दिया, 6x डिवाइड बाय 6 और यहां 12 डिवाइड बाय 6, तो देखो 6 से 6 कट गया और यहां 6 भी 12, तो x का मान कितना आया 2। यही हमारा क्या रहेगा भाई आंसर, समझ में आ गई? ठीक है, सिक्स क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिक्स। टी बाय फाइव इज इक्वल टू 10, हमें टी की वैल्यू निकालनी है। अब हम देखो यहां से क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे 5 के साथ गुणा करते हैं तो 5 कट जाएगा और यहाँ भी 4 5 के साथ गुणा करेंगे, ठीक है, या फिर इस 5 को उस साइड लेके जाएंगे, टी ये डिवाइड में उस साइड लाके क्या हो जाएगा भाई गुणा में, तो टी की वैल्यू कितनी आएगी 50। ठीक है, समझ में आया? तो बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, आज के लिए बच्चों इतना ही। आज जो हमने क्वेश्चन किया आप उनको क्या करेंगे, अपनी कॉपी में उतारेंगे, ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।